हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हीज। देखते हैं आज का वीडियो कि नेक्स्ट 15 डेज आपके पर्सन की करंट एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है इन 15 दिनों में। अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसका हल क्या होगा, आपके पर्सन के मैसेज क्या रहेंगे, क्या थॉट रहेंगी आपको लेकर, या फिर ये अभी भी क्या सोच से आपको लेकर। तो इस एनर्जी के साथ हम आज की रीडिंग करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे उसके 15 दिन की एनर्जी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग होती है। जब भी आप देखेंगे आपके साथ सिचुएशन रेजोनेट हो सकती है। जितनी सिचुएशन आपसे रेजोनेट होती है आपको उतनी लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। सॉरी गाइस, आज बहुत सारे लोगों की मैं रीडिंग नहीं दे पाई, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। मैंने कोशिश बहुत करी थी कि मैं आज ही के टाइम पे आपकी रीडिंग में दे पाऊँ, बट मैं नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी। बट कल मैं डेफिनेटली, कल का मेरा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा टाइट है, बट फिर भी मैं कुछ ना कुछ टाइम आप लोगों के लिए अवेलेबल करूँगी। कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल को। कॉल करते हैं आर्कएंजल रफाइल को। डियर आर्कएंजल माइकल, डियर आर्कएंजल रफाइल, प्लीज़ आइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक उड़ो देख रहे हैं, तो इनके पर्सन की नेक्स्ट 15 डेज में क्या एनर्जी रहेंगी इनको लेकर। अगले 15 दिनों में मेरे दर्शकों के जो पर्सन है उनकी क्या एनर्जी रहेंगी। नाइट ऑफ कॉइन्स स्लो है। बैठे पर्सन हार्डवर्क तो करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल बने रहेंगे आपके पर्सन। प्रैक्टिकल मेंटेलिटी के साथ ज़्यादा दिख रहे हैं आपके पर्सन। मैजिशियन मैनिफेस्ट करेंगे ये पर्सन। स्लो एंड स्टडी मींस द रेस, ये चीज़ मुझे समझ में आ गई। मून इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। किसी की इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई, किसी को वाया ड्रीम या कुछ तो जानकारी मिली है आप दोनों को लेकर, या तो आप ड्रीम में गए हैं, कुछ तो एहसास आपके पर्सन को फील हुआ है। ये पर्सन रिकन्सिलेशन की बात आ रही है। अगले 15 दिनों में आप आपके पर्सन के साथ मिलते हुए दिख रहे, आप आपके पर्सन के साथ रहते हैं तो कुछ एंजॉय करते हुए दिख रहे, स्टॉक करते हुए दिख रहे, ऑनलाइन बातें होती हुई दिख रही है। द स्टार, जी हाँ, विश फुलफिल तो हो रही है। अगले 15 दिनों में आपके रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे, बस ये सोचकर चलेगा। इतनी अच्छी ब्यूटीफुल फीलिंग है आपके पर्सन के साथ। नेक्स्ट 15 डेज में मिल रहे, डेफिनेटली मिल रहे। यहाँ पे एक सेपरेशन मोड चल रहा था, किसी की हेल्थ ख़राब चल रही थी, उसमें सुधार आ गया है। हेल्थ में रिकवरी है, या फिर सेपरेशन मोड है वो ख़त्म हो जाने वाला है। टेम्पररी सेपरेशन मुझे दिख रहा है। वैसे कुछ स्ट्रेस था आप दोनों के रिलेशनशिप में, अजी वेरी गुड, कम्युनिकेशन भी आ रहा है, वेरी ब्राइट फ्यूचर। नेक्स्ट 15 डेज का एनर्जी माशाल्लाह, बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी। टॉप फ्रेंड्स, ये पर्सन के लाइफ में कोई था तो ये पर्सन ने सोच लेंगे अगले 15 दिनों में कि इनको आप ही के साथ आना है, इनको आप ही के साथ इनिशिएट करना है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। भले स्टार स्लो है, बट चीज़ है जी, स्लो क्यों है, क्योंकि एक पेनफुल साइकिल था, जो डिवाइन का इंटरवेंशन होने वाला है। पेनफुल साइकिल था, धोखा, बिट्रेयल, ग्रजेस, गिल्ट फील होना, मायूस होना, फियर ऑफ रिजेक्शन, या फिर कोई ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से या तो चल रही है या तो हुई है, या तो आपके आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है और आप ऐसे एनर्जी के साथ है, या फिर आपके पर्सन हो रहे ऐसे एनर्जी में कुछ कर्मा इन्होंने गलत किया है, तो इनके साथ ये धोखा, बिट्रेयल, फियर ऑफ रिजेक्शन, आपके साथ गलत किया, इसको लेकर गिल्ट, सॉरी वाली बात, अपोलॉजी वाली बात आपके पर्सन की ओर से आती हुई दिख रही है। इसीलिए पर्सन बहुत सोच समझ कर एक प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ आ रहे, बट आएंगे डेफिनेटली स्टेबिलिटी की ओर आपके पर्सन आ रहे। डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन ने ही कुछ किया है गाइस आपके रिलेशनशिप के लिए, तो थैंक्स टू डिवाइन। मैजिशियन की बात बोलिए, हाँ जी, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। बहुत लंबे समय से आपके पर्सन आपसे छोड़कर तो डेफिनेटली गए थे, और सिर्फ छोड़ के नहीं गए थे, ये धोखा करके गए थे, बिट्रे करके गए थे। पर आपको भी पता नहीं चला कि इस पर्सन ने कब आपके साथ इतना बड़ा गेम खेल दिया, इतना बड़ा कांड कर दिया। बट ईश्वर नाम की चीज़ होती है। मैं हमेशा कहती हूँ भाई, डेविल 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 हम लोग करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, बट सबका बाप एक होता है, सबका मालिक एक होता है। तो ईश्वर सबका मालिक हमारा बेटा है, वो देख रहे हैं, और वो जब उनका टाइम आता है तो वो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ ब्लेसिंग देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, जिससे आपको भी लाइफ मिरेकल लगती है। बहुत समय से एक एनजाइटी आपके पर्सन को, गिल्ट तो किस बात का बहुत हो रहा है, मैंने यहीं पे भी बोला था, बहुत गिल्ट हो रहा है। और अगर आप एनजाइटी के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, हेल्थ इशू आपके चल रहे हैं, इस पर्सन के चले जाने के कारण आपको पीठ दिखा कर ये पर्सन भाग गए थे, चले गए थे,
इस चीज़ के कारण अगर आप लंबे समय से डिप्रेशन के शिकार थे, कुछ तो चीज़ है इस बात का गिल्ट आपके पर्सन करें कर रहे हैं। इस आपके पर्सन को इस बात को लेकर काफ़ी शर्म आ रही है, अपने किए पर आपके पर्सन शर्मिंदा है। 9 की एनर्जी आ रही है अगले 9 दिनों में, या फिर 9 घंटे, लकी वन के लिए 9 घंटे 9 दिन ही मैं बोलूँगी, क्योंकि 15 डेज के मैं एनर्जी निकाल रही हूँ। बट किसी की विश फुलफिलमेंट हो रही है, किसी ने जो मांगा है ईश्वर ने उसको दे दिया है। लंबे समय से एंजाइटी रिकवरी, एंजाइटी से आपकी रिकवरी हो रही है। हाँ जी, हाई प्रिस्टेस यहाँ पे कोई है, कोई हीलिंग कर रहा है, मैजिशियन, क्योंकि मैजिशियन की भी एनर्जी वही आती है, या तो हीलिंग स्पेल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा कुछ कोई कर रहा है। जजमेंट की बात है कि डिवाइन से जुड़ी कोई बात करते हैं, पूजा पाठ, धर्म कर्म, जप नाम, जो आप जिस भी मजहब से जुड़े ना, आप कुछ ना कुछ करते हैं, तो नतीजा ये है। हाँ जी, पेनफुल साइकिल है। हाँ जी, हाँ जी, आपकी लाइफ में धोखा है, बिट्रेल है, चीटिंग है, सब कुछ है, पर्सन चले गए थे, बट ये पर्सन फाइनली आपके टूअर्स आ रहे हैं। देखिए, ये पर्सन आपके टूअर्स आ रहे हैं, ये आपके टूअर्स आ रहे हैं, आप कहीं और देख रहे हैं, मीन्स आप शायद अब इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। इंट्यूशन आपके पर्सन की स्ट्रांग हो गई है, इस पर्सन ने इस रिलेशनशिप में जितना सब्र आपने भी रखा है, और आपके पर्सन ने भी काफ़ी सोच विचार कर ये आपके साथ आ रहे हैं, क्योंकि किसी की अवेकनिंग हुई है, या तो ड्रीम थ्रू या फिर यूनिवर्स ने इनकी कुछ गाइडेंस इनको ऐसी दी है। इस पर्सन को ऐसे समझ में आने लगा कि आप दोनों का कुछ तो ऐसा स्पिरिचुअल स्ट्रांग कनेक्शन है, इनको आपको नहीं छोड़ना चाहिए, तो इनको वापस आपके लाइफ में आना चाहिए, क्योंकि आप ही के साथ इनको अपनी दुनिया काफ़ी ब्राइट एंड हैप्पी अबेंडेंस लगती है, बड़ा अच्छा टाइम निकालते। तो जो पर्सन छोड़कर गया था, इसकी बार बार एनर्जी आ रही, इसके वापस आने की एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को डेवलप करने की बात होगी। हाँ जी, रिलेशनशिप हैंग था, वो हैंगनेस निकलने वाला है। ये पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में, प्लानिंग कर ली है इन्होंने, इनको एक्सपांड करना है इस रिलेशनशिप को, तो ये पर्सन आते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके लाइफ में। थ्री ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है अगले 3 दिनों में आपके पर्सन के साथ आपका कोई कम्युनिकेशन मिले। अगर सोशल मीडिया पे आप काफ़ी जी, आप पावर में तो आ गए, आप सेल्फ लव में आ गए, बहुत ब्यूटीफुल है आप। एक मैसेज और भी है गाइस, अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए, अब ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे इनको, आप अपने सेल्फ लव में आ गए, अपनी दुनिया में व्यस्त है, बाहर घूमने जा रहे, अच्छे अच्छे आप पोस्ट डाल रहे सोशल मीडिया पर, अच्छी अच्छी चीज़ें आप कर रहे। इस पर्सन के मन में बहुत जेलसी हो रही है इस बात को लेकर, और एनजाइटी भी हो रही है। फियर ऑफ रिजेक्शन, फोर ऑफ कप इस डेक के लिए, जो बॉटम द डेक था, तो आपके पर्सन को ऐसे भी लगता है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, अब आपके लाइफ में कोई तो नहीं आ गया, अब आप इनको वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये डर, ये गिल्ट, ये डिप्रेशन आपके पर्सन के मन में ये आ रहे। और ऊपर से अगर आप कुछ सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ डाल रहे हैं, आपको स्टॉक तो कर ही रहे हैं, ब्लॉक किया है, सब कुछ किया, आप जो कुछ बोल रहे सब ठीक है, बट फिर भी ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं। फेक अकाउंट होते हैं, फ्रेंड्स के अकाउंट होते हैं, रिलेटिव्स के फोन्स होते हैं, कई सोते पर्सन स्टॉक कर रहे हैं, और जैसे जैसे आपको देख रहे हैं, कॉन्फिडेंट, अपने पावर में बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक चार्मिंग एनर्जी आपकी हो गई है, तो ये पर्सन जेलस बहुत है। हो सकता है इस बात को लेकर आपसे झगड़ा भी करें आपके पर्सन। ये बात तो हो रही है आपके पर्सन के साथ, आपकी बात हो रही है, काफ़ी इमोशनल बॉन्डिंग होगी, काफ़ी इमोशनल बातचीत होगी, ऐसी बातें जो कभी आपको एक्सपेक्ट नहीं थी इस पर्सन से, जैसे कि इनको कुछ रियलाइज़ हुआ है, जैसे कि इनको कुछ अवेकनिंग हुई है। और अगर आपने कुछ काम किया है वहाँ पे, आप कॉन्फिडेंट है, आप सक्सेसफुल हो रहे, आपकी नेम फेम तो बढ़ रहे, तो बातें तो ऐसे ही माहौल में होगी, ऐसे ही एनर्जी से होगी, ऐसे ही क्या बोलते हैं स्टाइल से होने वाली है आपके साथ बातें। आप जैसे चाहते थे वैसे ही कम्युनिकेशन आपके पर्सन से आप रिसीव करने वाले हैं। फोर ऑफ सोर्स को क्लियरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्वीन ऑफ सोर्स एंड फाइव ऑफ पेंटेकल्स। हाँ जी, इस पर्सन के लाइफ में अगर कोई और भी है, तो इस वजह से एक टेम्पररी सेपरेशन मोड आपको हमेशा इस रिलेशनशिप से मिला है, और इसकी वजह से आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी अकेलापन पाया है। तो बात ये हो गई ना, ये हमेशा अकेला, टेम्पररी सेपरेशन मोड, अकेले रहो, लेफ्ट अलोन रहो, मायूस रहो, दुखी रहो, स्ट्रेस रहो, एंजाइटी में रहो, और खुद के हेल्थ इश्यू क्रिएट करो। ये कर करके ना आपकी एनर्जी शायद अब ऐसी हो गई कि जाने दो, हमको रिश्ता ही नहीं रखना, और आपने कर दिया अपने काम के ऊपर फोकस, अपने अदर एक्टिविटीज़ में अपने आप को डाल दिया। अब इन बातों से आपके पर्सन को एंजाइटीज होने लगी, भाई आपको क्या हो गया, आगे पीछे घूमने वाला ये बंदा, ये बंदी, सडनली अचानक ऐसे इसके लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये बात, ये इनसिक्योरिटी, ये जेलसी आपके पर्सन के मन में होने लगी। अब ये पर्सन एफर्ट लेने वाले हैं कि ये जो डिटैचमेंट गेम खेलते हैं, कोल्ड शोल्डर देते हैं, गोस्ट करते हैं,
ये पर्सन ये बात को ही ख़त्म कर देंगे इस रिलेशनशिप में, इस अकेलेपन में। इस पर्सन ने जिस तरीके से दिया आपका, आपको काफ़ी इमोशनल मानसिक बीमारियां हो गई है, स्ट्रेस बहुत लेते हैं, आप सो नहीं पाते, कोई कोई हॉस्पिटलाइज होता हुआ दिख रहा है, या तो आपके पर्सन की भी हेल्थ ख़राब हो सकती है, जिसके वजह से आपका कुछ टाइम के लिए बातचीत होना संभव नहीं है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है, या फिर इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, तो हो सकता है आपके पर्सन को कुछ वर्कलोड बढ़ जाएगा अगले 15 दिनों में। ये पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत हो रही है आप दोनों में, सब कुछ होगा, बट जब बात टाइम की आती है, फुल टाइम की आती है, तो शायद अगर ये पर्सन नहीं दे पाएंगे अपने काम की वजह से, तो इस बात को लेकर आपको थोड़ा स्ट्रेस होगा। बट ऐसी अगर सिचुएशन है तो आपको समझ लेना चाहिए, आपको इनको स्पेस दे देनी चाहिए। थ्री ऑफ फैंड्स की एनर्जी क्यों है एंजल? यहाँ पे मून की बात बहुत आ रही है भाई, इमोशनल सन एंड मून दोनों ही। कुछ बातें छिपी थी, कुछ बातें हिडन थी, अभी भी बातें सामने नहीं आ रही थी, तो यस ये सारी बातें सामने आ गई, या फिर आप इस बातों का सब खुलासा आगे आगे चलकर होगा, और जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, क्योंकि सन की यहाँ पे दो बार एनर्जी आई है। अगर आप चाहते थे कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को ऑफिशियल करे, सीक्रेटिव ना रहे, तो इस बात के लेकर कुछ प्लानिंग हो रही है, रिलेशनशिप को एक्सपांड करने की बात हो रही है, क्योंकि किसी की इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई, किसी को इंटिट्यूटली पता चल गया कि इस रिलेशनशिप का वजूद क्या है, किसी को तो पता चला है, काफ़ी इमोशनल एंटिटी होते हुए दिख रहे पर्सन, क्योंकि अब इस जिस एनर्जी से इस रिलेशनशिप को एक्सपांड कर रहे हैं, तो एक अवेकनिंग के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ, एक ब्राइटनेस के साथ, एक अच्छी रियलाइजेशन के साथ ये रिश्ता मुझे आगे जाता हुआ दिख रहा है। सन की एनर्जी बताइए इंजे, सन की एनर्जी को क्लियरफाई कर रहा है एट ऑफ पेंटेकल। फाइनेंस को लेकर अगर कोई सोच रहा था, बहुत अबेंडेंस आ रहा है, आपके रिलेशनशिप की वजह अगर फाइनेंस रही है तो ये वजह जाने वाली है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज निकलने वाला है, फाइनेंशियल डिफरेंसेस था वो निकलने वाला है। इस रिलेशनशिप में जितने एफर्ट आपके पर्सन लगाएंगे इस रिलेशनशिप को सन लाने के लिए, इस रिलेशनशिप को सन की एनर्जी में लाने के लिए, बहुत ही काफ़ी है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप ऐसा चहकता हुआ, ऐसा ब्राइट होता हुआ मुझे दिख रहा है। एफर्ट लगाएंगे आपके पर्सन, वही चाहते थे। लवर की बात आ गई गाइस, एस ऑफ वैंड्स विद लवर, जी हाँ, एंड टेन ऑफ कप, जी कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी जी। आपके पर्सन के साथ आपका फिजिकल रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप और फैमिलियर माहौल बहुत अच्छे से बिल्ट होने वाला है। ट्विन फ्लेम है, इनका यूनियन हो रहा है, कोई ट्विन फ्लेम शादी के लिए लंबे समय से वेट किए जा रहा है, तो आई डोंट नो हाउ, बट आपके पर्सन के लाइफ में दो सिचुएशन थी, और अगर आपको चूज़ करना इनको डिफ़िकल्ट लग रहा था, तो इन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। ये पर्सन थर्ड पार्टी या फिर उस सिचुएशन से निकलते हुए आपके टूवर्ड्स आ रहे, अब ये इनका कोई लव पार्टनर, रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, या फिर लीगल स्पाउस इनके हो सकते हैं, या फिर इनके फैमिली हो सकती है, बट ये पर्सन आगे आपके साथ आएंगे अगले 15 दिनों में। ये पार्ट डेफिनेटली आप दोनों में कम्युनिकेशन, किसी किसी का फिजिकल रिलेशनशिप होता हुआ मुझे दिख रहा है, जिससे लगेगा कि आपका एक फैमिली कंप्लीट हो गई है, अब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी, क्योंकि मून की एनर्जी गाइस, तो ये चीज़ें ना, हाँ देखिए मून की बात आ गई, फुल मून है इन 15 दिनों में, फुल मून है, और दूसरी बात ग्रहण भी है, तो हो सकता है कि मून का जब माहौल चल रहा है ना, मून है एट ऑफ कप, तो यहाँ से थोड़ी चीज़ें स्लो पड़ सकती है। आपको ऐसे लगेगा कि इस रिलेशनशिप में कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, जबकि आपके पर्सन आ रहे, इमोशनली आ रहे, बट ये थोड़ा वो ग्रहण का वो बोल सकते हैं, या फिर फुल मून का इफेक्ट बोल सकते हैं। अगर उन दिनों में आपकी ये हालत है, तो थोड़ा अपने सिचुएशन को, अपने मानसिकता को आपको कंट्रोल करना है, किसी एक की एनर्जी डिस्टर्ब होने वाली, तो थोड़ा उतना समझ लेना है, अदरवाइज आपके पर्सन के एनर्जी में मुझे यहाँ पे कोई अब गलत नहीं लग रहा है। हिचके आ रही गाइस, इसको स्पिरिचुअल डाउनलोड भी बोलते ना इसको, आई थिंक 17-18 को है शायद ग्रहण ना, तो ये जो है अभी आज की, तो क्या तारीख है पता नहीं, मैं तो तारीख भी भूलती जा रही हूँ, आज 15 है शायद। हाँ तो अगले 2-4 दिनों में, 4-5 दिनों के लिए थोड़ा संभल कर ही रहिएगा, अच्छे से बात होती थी, इट्स ओके, ज़्यादा खींचो मत, पास पलाओ मत, उनको ट्रिगर मत करो, गो विथ फ्लो जाओ, लाइफ में आगे जब भी चांस मिलेगा तब बोल लेना, जब सिचुएशन आपके लिए अच्छी है, स्ट्रांग है, तब बोल लेना, जब लगता है कि सिचुएशन थोड़ी वीक है, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो चुपचाप बैठ जाना, क्योंकि रिलेशनशिप चाहिए तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कुछ टाइम के लिए करना है।
देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन। जी हाँ, ये पर्सन या केंजे माइकल या केंजे रफाइल, प्लीज़ आइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। अब ये नेक्स्ट एक्शन मुझे पता है आफ्टर 15 डेज का भी हो सकता है या फिर 15 डेज में हो सकता है। तो डियर प्लीज़ मुझे बताइए कि नेक्स्ट 15 डेज जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं तो इनके पर्सन का क्या रहने वाला है प्लीज़। एक्शन तो आ रही है आपके टुवर्ड्स। हाँ जी, फिर किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम लग रहा है भाई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लग रही है। मैरिड है कोई, बच्चों को लेकर बहुत चिंता में है। कोई चाहता है कि फ्यूचर के लिए काफ़ी पैसे लगेंगे, आपके पर्सन को प्रॉपर एक्शन लेनी चाहिए, बट अकेलापन चल रहा है या नहीं तो भाई वो तो ख़त्म होने वाला है। सेवन ऑफ फैंस भी आ गए, ये पर्सन डिफेंसिव हो गए, एक्शन लेते हुए दिख रहे। जो भी अकेलापन चल रहा था लाइफ में वो हटाते हुए दिख रही है पर्सन। स्टार के अगेन एनर्जी आ गई। कोई यूट्यूबर है यहाँ पे, कोई टैरट का रीडर है, कोई हीलर है, इन्फ्लुएंसर है, कोई फेमस है, पॉपुलर है, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है। क्वीन ऑफ कप, एट ऑफ हैंड्स, कम्युनिकेशन तो दिख रहा है गाइस। जी कम्युनिकेशन तो आ रहा है, पता नहीं यार मेरे ब्रेसलेट का क्या चक्कर चल रहा है, कम्युनिकेशन तो मुझे आता हुआ दिख रहा है। प्यार भी करें आपके पर्सन, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी के साथ कम्युनिकेशन होगा, इमोशनल रोमांटिक अनकंडीशनल लव की बातें होंगी या फिर ऐसा प्यार आपको मिलने वाला है। नाइट ऑफ कॉइंस, स्टेबिलिटी है रिलेशनशिप में, ठहराव है, एफर्ट लेंगे पर्सन। अलग अलग डेक इसीलिए लेती हूँ क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि एनर्जी सही में जा रही है, वैसे ही जा रही है, इसलिए मैं इतने डेक यूज़ करती हूँ हमेशा। मेरा रीडिंग में डिटेल भी मुझे मिलते हैं। जी वेरी गुड, वेरी गुड, लवर की एनर्जी आ रही भाई, किसी का सोलमेट किसी का ट्विन फ्लेम जी मिल रहा है आपको। नाइन ऑफ कप, विच फुलफिलमेंट, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मुझे ना कल की बात इतनी अच्छी मैंने रीडिंग निकाली, बट एक बस मैंने एक सॉन्ग की दो चार लाइन बोल दी, यूट्यूब ने मुझे बोल दिया कि कॉपीराइट इशू हो गया, तो फिर मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी और फिर वो कंटेंट जो था जो मैंने सिंग किया था तो मुझे वो हटाना पड़ा और फिर मैंने मैं अपलोड करी। मुझे किसी ने पूछा था कि ये आपकी वीडियो अपलोड करी तो ये प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें बहुत टाइम निकल गया, मैंने वीडियो कब की निकाली, अपलोड बहुत लेट हो गई, बट फोकस करते हैं अभी इस वक्त इस ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ। थैंक यू आर्कएंजल्स, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी, मुझे तो लगा भी ग्रहण की पता नहीं क्या क्या एनर्जी रहेंगी, बट ये आपके लिए फेवर है, फेवर कर रहा है, अच्छी बात है भाई। ये जो पूर्णिमा वाला मून है ना, फुल मून, ये किसी की तो अवेक नहीं करवा रहा है। जी बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल, अनकंडीशनल रोमांटिक लव, कम्युनिकेशन, एक्शन, पैशन के साथ आपके पर्सन का मुझे नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स दिख रहा है। अकेलापन जो था भाई ख़त्म, समझ लो अभी इसका कुछ नहीं बचा, ये ख़त्म हो गया। सो ब्यूटीफुल एनर्जी, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। जी पर्सन इक्वल गिव एंड टेक देने वाले हैं। जी कोई था हार्ड ब्रेक है जी, मुझे शायद यही डेक लेता ना, नहीं मुझे अब अलग डेक लेना है क्लेरिफिकेशन के लिए, मैं इस डेक के साथ जाऊँगी। हाँ अभी क्लेरिफाई कीजिए आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, नाइट ऑफ फैंस, थर्ड ब्रेक, थर्ड पार्टी क्यों जी वो देख रहे हैं आप, वही बात आ रही है। सेवन ऑफ पेंटेकल जी, एम्प्रेस, कर्मा, किसने गलत तो किया था भाई, कोई गलत किया था आपके पर्सन ने, कुछ तो कांड किया था, अब उनको मिला है कर्मा। अब ये पर्सन आ रहे हैं आपके लाइफ में पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं, अबेंडेंस करेंगे इस रिलेशनशिप को, एम्प्रेस समझते, एम्प्रेस मानते, ऐसी महारानी जिसके पास किसी बात की कोई कमी नहीं, लव, केयर, मैच्योरिटी, रिस्पेक्ट, सब कुछ, नर्चरिंग एनर्जी, सब कुछ है। ये पर्सन आपको वो वैसा ही लव आपके लाइफ में लेते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सोच विचार के आपके पर्सन ने गए, आपको छोड़कर गए, गलत किया, मिसिंग वाली एनर्जी दी, एंजाइटी दी, आपके पर्सन बहुत आपको मिस भी करते गए। अगर ये दिखाते नहीं हैं, आपको यकीन नहीं है, ऐसा लगता है आपको, बट ये पर्सन मिस बहुत करते हैं क्योंकि इनके साथ
साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड है तो इनकी रिलेशनशिप में सब कुछ अगर मीन्स दिखने के लिए अच्छा कमाते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा घर दार बोलते ना, नौकर है, चाकर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, बट वहाँ पे वो नहीं है जो इनको आप दे रहे हैं, वो लविंग, वो केयरिंग, वो अनकंडीशनल ट्रू लव। देखिए एक होता है स्पाउस, स्पाउस है तो अब मैं दोनों सिनेरियो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक हस्बैंड वाइफ है तो अब उनकी स्पाउस है, इनकी शादी हो गई है तो लंबे समय से शादी हो गई तो स्पाउस इनकी केयर करती है। एक आप हो कि आपको इस रिलेशनशिप में कोई नाम मिला नहीं है बट आप फिर भी इस पर्सन से अनकंडीशनल प्यार करते हैं, इनसे कुछ उम्मीद नहीं करते, इनसे कुछ भी नहीं चाहते बट चाहते तो कुछ थोड़ा सा वक्त चाहते हैं। अब ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे कि अरे इनके लाइफ में एक तो रिश्ता है, रिश्ते की वजह से सब कुछ तो हो रहा है बट आपका क्या रिश्ता था कि आपने इनको ऐसा इतना कुछ दिया बिना कुछ कुछ मांगे। अब ये उनके लिए जिनके मैरिड लाइफ में जिनके पर्सन कहीं और मैरिड है और ये आपके साथ अगर इनका एक्स्ट्रा मैरिटल है या फिर आप सिंगल ही मैरिड है उनके लिए बात आती है। दूसरा सीनियर है मुझे क्या दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में और एक किसी थर्ड पार्टी में चले गए। अब ये थर्ड पार्टी में चले गए, अब आपने तो एक रिश्ता अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है, अपने बाहर जाके अपने आपस से अपने हर सिचुएशन से बाहर जाकर आपने इस रिश्ते को निभाया है, इनसे कुछ ज़्यादा मांगा नहीं, इनसे कुछ आपने ज़्यादा लिया नहीं, आपने सब कुछ दिया जितना आपसे बन सकता था उससे ज़्यादा आपने दिया। पर जब थर्ड पार्टी इनके लाइफ में आ गई, अब आप तो ठहरे सीधे आपको पता नहीं कि रिझाना कैसा है, इनको वो वाली चीज़ों की आदत कैसे लगानी आपको तो पता नहीं बट थर्ड पार्टी इन बातों में काफ़ी एक्सपर्ट थी, उसने कर दिया, इसने कुछ ब्रेन वॉश आपके पर्सन का कर दिया, इसने अच्छे समझाने की कोशिश करी कि ज़िंदगी इसी का नाम है भाई, ज़िंदगी जीना इसी को कहते हैं, हम अपने लिए आए, इस एक सेल्फ सेंटर आपके पर्सन को बना दिया और आपके पर्सन सेल्फिश बन भी गए ना। आपका डेडिकेशन, आपका कुछ भी आपके पर्सन ने देखा नहीं बट अब थर्ड पार्टी में चले गए, बट थर्ड पार्टी में एक समय इन्होंने निकाल दिया, बट जैसे जैसे थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का समय निकलता गया ना, तब आपके पर्सन को बातें समझ में आ गई कि अरे ये तो वैसा बिल्कुल भी नहीं था जो मेरा स्पाउस था, मेरा तो पार्टनर बिना कुछ मांगे बिना कुछ करे इतना सब कुछ किए जा रहा था, मेरी इतनी केयर करता था, और यहाँ पे थर्ड पार्टी का जो कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग नेचर है वो सारी चीज़ें मीन्स पता नहीं ऐसा थर्ड पार्टी का क्या क्या, ऊपर से थर्ड पार्टी का मिस्ट्रेस रहना, उसका एक फ्लर्टिशियस नेचर, अपोजिट जेंडर्स के टॉर्स उसका झुकाव, आपके पर्सन को मैनिपुलेट करना, पूछने पर कुछ भी और बता देना, झूठ बोलना, अपने स्वार्थ के लिए रहना, ये सारी बातें आपके पर्सन के समझ में आ गई। हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में 7 साल रहे हैं या फिर 7 महीने से रहे हैं, फिर अगले 3 महीने में या फिर 3 सालों में आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की सारी असलियत, सारी क्या बोलते हैं उसका असली चेहरा आपके पर्सन के सामने आ चुका, और फिर नेक्स्ट के 3 मंथ हो या फिर 3 वीक हो या फिर 3 साल हो, आपके पर्सन को समझ में आ गया कि इनको किस बात का कर्मा मिला है, इन्होंने किसके साथ क्या गलत किया है, और फिर समझ में आती है बात आपके लिए, फिर आपका जिस तरीके से ये रियलाइज़ होने के बाद जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपकी हर एक छोटी चीज़, आपका हर एक डेडिकेशन समझने की, जानने की, मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, तो आप किसी एक क्वीन की तरह आपके पर्सन को लगते हैं कि आप कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितने समझदार हो, आप कितने केयरिंग हैं, आप कितने नर्चरिंग हैं। ये अगर हुआ नहीं तो ये होगा। फाइव ऑफ कॉइंस को जी हाँ, नाइट ऑफ फैंड्स, वही बात है, नाइट ऑफ फैंड्स एंड फाइव ऑफ कॉइंस, अकेलापन दूर हो जाएगा गाइस रिलेशनशिप से, ये पर्सन आ रहे हैं जी। देखिए लवर की बात है, ये पर्सन रिलेशनशिप को बैलेंस करेंगे, स्टक थे आपके पर्सन, अब तो कोई आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, अगेन 9 की एनर्जी, अगले 9 घंटे, 9 घंटे, 9 वीक, 9 वीक तो नहीं, 9 डे का समय आ रहा है, किसी किसी के लिए 9 वीक का भी समय हो सकता है। आपका रिलेशनशिप जो स्टकनेस में अटका था लंबे समय से, उसमें कुछ एक्शन नहीं दिख रही थी, रोमांस खत्म हो गया था, लव खत्म हो गया था, तो नहीं अब ये सब कुछ होगा। स्टार की एनर्जी, हो सकता है ये पर्सन कहीं सच में अटके हैं, स्टार की एनर्जी को क्लियरिफाई कर रहा है किंग ऑफ फैंड्स जी हाँ, इस पर्सन का एक्शन तो आपको मिलने वाला है गाइज, ये पर्सन डेफिनेटली आपके टूवर्ड्स आएंगे, इस आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे दिख रही है, पर्सन आपके लिए एक्शन भी लेने वाले हैं, जो आप चाहते थे वैसा ही एक्शन आपको मिलने वाला है, बस आप थोड़ा झगड़ा मत करो। हो सकता है ये पर्सन कभी आपको बोलेंगे नहीं बट जिस तरीके से आप स्ट्रांग इंडिपेंडेंट हो गए, पीस में आ गए, अपने आप को अपने बैलेंस कर लिया, अपने आप को अपने हील कर लिया है,
आपके पर्सन अंदर से जेलस बहुत है आपसे, बहुत ज़्यादा जेलस है, ये बोलेंगे नहीं आपको। एट ऑफ हैंड मैं आपको बार बार बोल रही हूँ गाइस, थर्ड पार्टी की वजह से कोई भी झगड़े आपको नहीं करना है। यहाँ पे फुल मून का एक समय और ग्रहण का एक समय जिसमें हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम या फिर आपकी कम्युनिकेशन में बात करते करते बात झगड़े तक चली जाए। जैसे ही झगड़ा हो रहा है आपको लगेगा, आप तुरंत सॉरी माफ़ी बोलकर शांत हो जाना, कुछ उनको ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना। नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी गाइस, नॉइज़ आ रही तो नाइट ऑफ कॉइंस को बताइए एंजल क्यों है। जी नाइट ऑफ कॉइंस को क्लेरिफाई करें, यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटेकल एंड सिक्स ऑफ कप। इस रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी के साथ वो ब्यूटीफुल रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है गाइस। जिस तरीके से आप चाहते थे ना अपनी रिलेशनशिप में रहना, इस रिलेशनशिप को सजना संवरना, हाँ जी प्यार से सजना संवरना होता है, इमोशन से, रोमांस से, प्यार से अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा खूबसूरत हम लोग बना सकते हैं। आप चाहते थे कुछ वीच थी वो होने वाली है, आपके पर्सन के साथ आपकी बॉन्डिंग बनने वाली है, आपके पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके पर्सन का और आपका रिश्ता है, ये एक सोलमेट का रिश्ता है, एक पास्ट लाइफ वाला रिश्ता आपके पर्सन आपके साथ फील करते, कुछ इंट्यूशन हुई है, कुछ ड्रीमिंग हुई है, आपके पर्सन को ये चीज़ जानते हैं। ये पर्सन हो सकता है आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है या फिर आपके कॉलेज फ्रेंड है, आपके सिबलिंग्स या फिर आपके सिबलिंग्स तो नहीं बोलेंगे, रिलेटिव्स ये पर्सन। तो आप दोनों का बॉन्डिंग मुझे बहुत अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। सिक्स ऑफ कप यहाँ पे दो बार आया गाइस, ये पर्सन आपसे रिकंसलेशन हो रहा है, रीयूनाइट हो रहा है। जस्टिस, जी हाँ जस्टिस देने के लिए आपके पर्सन आपके लाइफ में आ रहे, इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ रही। डेफिनेटली आपके पर्सन को बहुत बातें हिडन थी, सीक्रेट थी, रिलेशनशिप एंड हुआ था, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे किसी का हुआ है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, सोचने समझने का तरीका आपके पर्सन का आपको लेकर कम्प्लीटली बदलने वाला है। आप खुद भी देखेंगे कि जो पर्सन पहले बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल सेल्फिश बिहेवियर में रहता था, इन आउट अपने मर्जी के हिसाब से करता था, उसका बदलाव कितना चेंज हो चुका है। ये पर्सन अब केयर करने लगे, ये पर्सन अब स्टैंड लेने लगे, ये पर्सन अब एक्शन लेने लगे, ये पर्सन अब आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए सोचते हैं। तो आप देखेंगे ये बदलाव आपके पर्सन में आया हुआ। लवर की यहाँ पे दो बार लवर की भी एनर्जी आई है, जी हाँ एस ऑफ कप के साथ आ रही, वहाँ पे भी एस ऑफ हैंड्स के साथ लवर की एनर्जी थी, यहाँ पे एस ऑफ कप के साथ एक ट्रू लव जो पर्सन गया था। देखिए एट ऑफ कप एंड नाइन ऑफ कप यहाँ पे बात आ रही, एट ऑफ कप एंड नाइन ऑफ कप, यहाँ पे थ्री ऑफ हैंड्स एंड यहाँ पे सिक्स ऑफ सोर्स, जो पर्सन गया था वही एनर्जी आ रही गाइस। यही तो मैजिक होता है, इसीलिए तो हम लोग डिवाइन को, यूनिवर्स को, एंजल्स को थैंक्स बोलते हैं। चूकते नहीं हैं, बस इनसे अच्छी तरीके से जुड़ना होता है, आपको बहुत ब्यूटीफुल मैसेज मिलते हैं। ऐसा लगता है ना कि कितना बोलूँ, कितनी रीडिंग दूँ, कितने मैसेज दूँ, जब निकालने के लिए बैठती हूँ तो समय का मुझे ध्यान ही नहीं रहता। तो जो पर्सन गया था, आपकी विश थी ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाए, तो वो पर्सन वापस आ रहा है आपके लाइफ में, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ये रिश्ता सेफ है, सीक्रेट को डिवाइन का इंटरवेंशन हो रहा है, डिवाइन खुद भी इस रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हैं, जजमेंट डिवाइन इंटरवेंशन टेम्परेंस, डिवाइन खुद ही हीलिंग दे रहे हैं, खुद ही बैलेंस कर रहे हैं। तो भाई जिसके पीछे भगवान है उनको क्या करें, बस आपको क्या करना है, आपको भगवान के ऊपर की अपनी आस्था नहीं छोड़नी, मायूस नहीं होना है, विक्टिम मेंटेलिटी में नहीं जाना है। मेरी कल की जो रीडिंग थी उसमें लास्ट वाला मेरा वर्ड यही था, बट मुझे वो कट करना पड़ा। तो विक्टिम मेंटेलिटी में आपको नहीं रहना है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पास, आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम। मुझे यहाँ पे तो कोई वार्निंग मैसेज नहीं आया, तो मैं फाइनल आउटकम ही निकाल लेती हूँ। जा के एंजल माइकल, जा के एंजल रफाइल के जाइए, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक मेरे वीडियो देख रहे तो इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है, इनके उस पर्सन के साथ जिसके बारे में ये रीडिंग देखते हैं मेरे दर्शक, उनके साथ इनके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है। डेविल एंड हैंगमैन था, कोई निगेटिव एनर्जी थी तो वो तो लटकने वाली, भाई आपने डेविल को ही उल्टा लटका दिया। हीलिंग की भी बात आ रही, स्टार की बात है ना, कोई हीलिंग ले रहा है, हाई प्रिस्टेज भी आया था, तो अगर हीलिंग यहाँ पे ले रहा है नहीं तो आप लेने वाले रिलेशनशिप को बैलेंस करने के लिए। हाँ जी पेज ऑफ सोर्स, ये रिलेशनशिप में नई नई आइडियाज़ आएंगी, जी बड़े ये अगेन स्टार की बात आ गई, स्पिरिचुअली अगर आपको झूठ लगता नहीं, देखिए आप खुद ही देखिए यहाँ पे हीलिंग की बात आ गई ना, यहाँ पे हीलिंग, तो इस कोई हीलिंग तो ले रहा है या फिर हीलिंग की बात हो रही है, हीलिंग थ्रू इस रिलेशनशिप को काफ़ी प्रोटेक्ट
प्रोटेक्शन मिल रही है, एफर्ट लेंगे ये पर्सन, मन चाहा मिलने वाला है, आपकी होप फुलफिल होने वाली। रिकन्सिलेशन चैरियट, थ्री ऑफ कप, सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं मुझे, एफर्ट लगाएंगे। आज स्ट्रेंथ की भी बात आ गई, पैशन पैशन आएगा रिलेशनशिप में, पावरफुल आएगा। हाँ जी, डिसाइड होगा आपके साथ रिलेशनशिप में जाना है, आपके टूवर्ड्स आएंगे ये पर्सन। वही बात मुझे बार बार वही मैसेज आ रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी भाई। कोई निकल जाएगा, ये जो डीप आपको फियर बहुत रहते हैं, वरी बहुत रहती है आपको, बहुत चिंताएं खाती है, एनेक्सिटी नाइटमेयर आपको होते, सब कुछ निकल जाने वाला है, सब कुछ निकल जाने वाला है। निकल जाएंगे आप इस बीमारी से, स्ट्रेस एंजाइटी से निकलने वाले। देखते हैं आप नाइन ऑफ पेंटेकल क्यों हैं। अरे माय गॉड, नाइन ऑफ पेंटेकल को नाइन ऑफ पेंटेकल एंड टू ऑफ पेंटेकल है जी, बैलेंस हो जाएगा रिलेशनशिप। नाइन की एनर्जी आ रही है, ध्यान में रखना मेरा वर्ड, ये जो आप सोर्स को प्योरीफाई कीजिए। जी हाँ, पर्सन इमैच्योर थे, एक्शन नहीं ले रहे थे जी, इमोशन जागृत हो गए। जो पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल थे, इमोशन का इनका कुछ भी दूर दूर का वास्ता नहीं था, इमैच्योर तरीके से पर्सन बिहेवियर करते थे, इमोशनली इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मून की बात। और दूसरी बात ये भी बोल दो कि हो सकता है कि जो पीरियड मैंने आपको बोला वहाँ पे हो सकता है पर्सन थोड़ा इगोस्टिक बिहेवियर करे, बट ऐसा मुझे बहुत कम लगता है जी। अकेलापन दूर जाएंगे, ये पर्सन भी खुद अकेले है अपने लाइफ में, बट प्यार के साथ आ रहे हैं यहाँ पे, स्टार विद किंग ऑफ कप, वही कोई होप कर रहा है ये पर्सन आपसे भी अनकंडीशनल प्यार करें, जैसे आप इनको प्यार करते हैं वैसे आपके पर्सन आपसे प्यार करें, जिस तरीके से आप इमोशनल आपके पर्सन के लिए हमेशा अवेलेबल होते, ये पर्सन आपके लिए रहे, केयर करे, तो ये होता हुआ दिख रहा है आपको, वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा आपके पर्सन का। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आपके पर्सन के आपके सामने कार्ड आ रहे हैं, एट ऑफ पेंटेकल एंड स्टार, कोई पैड हीलिंग ले रहा है इस रिलेशनशिप को हैप्पीनेस में लाने के लिए, अबंडेंस में लाने के लिए, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए हीलिंग सक्सेसफुल हो रही है। यहाँ पे किसी की विश ग्रांट हो रही है, फाइनेंस को लेकर है, रिलेशनशिप को लेकर है, पर्सन को लेकर है, जो कोई भी होप आप कर रहे थे वो सक्सेसफुल हो रही। आपके पर्सन का ध्यान अटेंशन आपके लिए जाएगा, ये पर्सन आपकी केयर करते हुए दिख रहे, इक्वलिटी आपको इस रिलेशनशिप में मिलने वाली है। थ्री ऑफ कप की बात बताइए जी, थ्री ऑफ जी क्या मैं बोलूँ जी, बहुत रिलेशनशिप आगे जाएगा, रिलेशनशिप स्टक था, एफर्ट लेंगे और ये स्टकनेस चली जाएंगी, ये बंधा हुआ सब कुछ माजरा चला जाएगा, मिलते हुए दिख रहे आप आपके पर्सन के साथ सेलिब्रेट करने वाले। कोर्ट मैटर कोई मसला था वो भी खत्म होने वाला है रिलेशनशिप में। हाँ जी, चैरियट थर्ड पार्टी से निकलते हुए आ रहे पर्सन जी, थर्ड पार्टी, कितनी ब्यूटीफुल मैसेज आ रहे ना, आई एम सो ग्लैड, थैंक यू आर्कएंजल्स। थर्ड पार्टी से निकलते हुए आ रहे, कोई किसी का सवाल था, थर्ड पार्टी जाएंगे डेफिनेटली, गई भी होंगी, थर्ड पार्टी से निकलते हुए पर्सन आ रहे, या तो हीलिंग ले रहे या तो हीलिंग लेने वाले, जिससे रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग पुख्ता होने वाला है। तो ये पर्सन आ रहे आपके लाइफ में विक्ट्री के साथ आ रहे, और इस रिलेशनशिप के पर्सन विक्ट्री बना देंगे। हो सकता है, मैं फाइनल आउटकम देख रही हूँ, थर्ड पार्टी को निकालने के लिए यहाँ पर डेफिनेटली कोई हीलिंग ले रहा है या फिर किसी ने ले लिया, और नतीजा ये है कि निकल जाएगी इस रिलेशनशिप में, आपको विक्ट्री मिलने वाली है, विक्ट्रीस मोमेंट आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी बताइए इंजे जी, जजमेंट मैं वही तो बोल रही हूँ, डिवाइन टाइमिंग, भरोसा रखो विक्ट्री के साथ, डिवाइन टाइमिंग जी, भरोसा रखो आप डिवाइन के ऊपर, डिवाइन का इंटरवेंशन होने वाला है आपके पीछे, भगवान आपके पीछे स्ट्रांगली खड़े हैं, ब्लेस कर रहे हैं आपको, आपको बस भरोसा रखो और जाओ, अपना अपनी हिम्मत मत हारो, स्ट्रेंथ के साथ पावर के साथ जाओ। जी हाँ, हायरोफेंट, कोई अपने ट्रेडिशनल मैरिज को छोड़कर गया था थर्ड पार्टी में, वो वापस अपने ट्रेडिशनल मैरिज के टूवर्ड्स आ रहा है। ये पर्सन आपको ट्रेडिशनल मैरिज के कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, नहीं, इन्होंने अब डायरेक्शन बना ली है, इन्होंने अब सोच लिया है कि इनको आपको ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट देनी है, तो इन्होंने अब ये जो भागते थे, जो अटकते थे, अब इनका ये एनर्जी नहीं रहने वाली। मैं वीडियो बहुत लंबा हो रहा है गाइस, इसलिए मैं बहुत फास्टली बोल रही हूँ, तो आप थोड़ा आराम से सुन लीजिएगा, स्पीड थोड़ा एडजस्ट करके। तो कोई ट्रेडिशनल मैरिज कमिटमेंट की ओर देने के लिए आता हुआ दिख रहा है। इनके पेरेंट्स है, इनके फैमिली में कोई ऐसे पर्सन है जिनके कारण आपको अब तक मैरिज कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, तो ये पर्सन आपके टूवर्ड्स एक्शन लेने के लिए आ रही, क्योंकि इनको आपसे शादी करनी है, बस इन्होंने ये ठान लिया है। पेज ऑफ फैंस कहना जी, किसी का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया, खास करके डिवाइन मस्कुलाइन जो बहुत ज़्यादा अवेकनिंग में था। देखिए यहाँ पे भी थ्री ऑफ फैंस पेज ऑफ फैंस था, इसलिए तो मैं इतना खुश होती हूँ रीडिंग में। अब आप भी देखो, पेज ऑफ फैंस एंड थ्री ऑफ फैंस, और यहाँ पे
ऑफ फैंस के सामने पेज ऑफ फैंस आप इसे क्लेरिफाई करने की जरूरत नहीं बोल रहे एंजल, बट मुझे लगता है क्लेरिफिकेशन वो डबल मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि नहीं नहीं हमने जो निकाली बिल्कुल करेक्ट एंड परफेक्ट रीडिंग है। ये पर्सन आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, इनको इस रिलेशनशिप को एक्सपांड करना है, एक्सपांड करेंगे, सक्सेसफुल बनाएंगे, आपकी विश ग्रांट होने वाली है। पर्सन प्यार के साथ थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है, दिस इज़ 100% में मुझे तो लग रहा है, क्योंकि एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल आई है। कोई किसी का हेल्थ इश्यू जाने वाला है, कोई स्ट्रेस एंजाइटी नाइट मेयर का लंबे समय से कोई शिकार है, इसमें आपको सुधार मिलने वाला है, क्लैरिटी आपको मिलने वाली। अभी तक किसी क्लैरिटी की वजह से या फिर कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही इसके वजह से एंजाइटी का कोई शिकार था, तो आपके आपको उस बात के लिए क्लैरिटी मिलने वाली, एक अच्छी स्टार्ट आपके रिलेशनशिप में होने वाली है। जी हाँ, दुख के बाद हमेशा सुख का समय आता है गाइस, तो मैंने यही बोल रही थी, मैंने कल लास्ट में यही सेंटेंस बोला था कि आप दुख को पकड़ के बैठते हो और सुख की जो मेमोरी है आप उसको आसानी से भूल जाते हो, और दुख की जो मोमेंट है उसको पकड़ के बैठते, उसको लेट गो नहीं करते। तो जितना पकड़ के बैठेंगे तो सुख की एनर्जी को कैसे एंट्री मिलेगी, तो आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। अभी ना मैं कुछ आपके पर्सन के मैसेज भी देख लेती हूँ फटाफट, एक हीलिंग पड़ी है गाइज, और मुझे हीलिंग भी करनी है, सोना तो नहीं होगा शायद रात में, अब तो सुबह भी हो गई है। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाइल, उनके क्या मैसेज है मेरे दर्शकों के जो पर्सन है, क्या मैसेज है? I was in love with you. I want to be more than friends. जी हाँ, ये प्यार भी कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं फ्रेंड से ज़्यादा थे, मुझे आपसे फ्रेंड से ज़्यादा हम रहे थे या फिर रहना मैं चाहता था। आई हाइड वाई रियली फ्रॉम यू, हाँ जी, इन्होंने अपनी सही पहचान तो छुपाई है, क्योंकि मून की बात आ रही है ना, कुछ हिडन, कुछ सीक्रेट। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, कोई एक स्पेसिफिक डे है, अच्छा वाला भी हो सकता है, बुरा वाला भी हो सकता है, इनको वो हर सारी बात याद आए। अब आप देख लेना कौन सी बात, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, इनकी गलती थी, ब्लेम आप ही के ऊपर किया है, और शायद ब्रेकअप भी आपको ब्लेम करके ही किया गया था। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, कुछ गुड न्यूज़ आपके पर्सन के लाइफ में है, या आप उनको ये विश कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन है शायद, या फिर शायद अब आप थोड़ा अलग अलग रहते हैं, बट कोई गुड न्यूज़ है, आपके पर्सन चाहते कि काश ऐसा होता मैं आपके साथ अपनी गुड न्यूज़ शेयर करता। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन व्हाट आई टोल्ड यू, मैंने बोला था ना इनका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो यस, इनका स्पिरिचुअल लेसन इनको मिले हैं, इनको रियलाइज़ हुआ है इनको किस बात की सज़ा मिली है। आई कुड नॉट लेट यू गेट क्लोज टू मी, हाँ जी, आई कुडंट लेट यू, जी आपको छोड़ना नहीं चाहेंगे, ये पहले तो आपको करीब नहीं आने दे रहे थे, बट आप यहाँ पे मेरे बात दिमाग में पहले ही कि नहीं आप जी आपको लेट गो नहीं करेंगे। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, आपके लाइफ में कोई भी है क्या, आप भी कहीं और मैरिड हैं? आई वॉन्ट टू टेल यू, या फिर ये भी हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, ये आपको कहना चाहते हैं, इनको इस वक्त क्या लगता है। सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, आपकी काफ़ी बातें हैं आपके पर्सन को याद आ रही, और कुछ मैसेज ले लें। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन अबाउट यू, आपके बारे में बातें होती है जी इनके सराउंडिंग या तो इनके फैमिली में, शायद जानते हैं आपको बट ये मेंशन नहीं करते आपको। आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, अच्छी हैंगर हो गया अभी आपका, कैसे निकलेगा? सो मेनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, बहुत सारी बातें आपकी याद आ रही है। अपने गाना बोल रहाऊंगी बट कैसे यूट्यूब बोल देगा, इतनी अच्छी रीडिंग में निकालती हूँ। द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, जी कुछ तो है स्टकनेस के एनर्जी में ये पर्सन, बट ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। आई वंडर इफ आर हैप्पी विदाउट मी, मैंने बोला ना स्टॉक कर रही है, अभी जब देख रहे हैं कि भाई आप तो सेल्फ लव में आ चुके हैं, आपको कुछ बात का फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इनको जेलसी भी हो रही है। यू एंड आई वेयर टू यंग, जब मिले थे उस वक्त शायद आप बहुत छोटे थे। आप थोड़े रोमांटिक थॉट्स भी देख लेते हैं, हनीमून, जी हाँ आपके साथ हनीमून विजुलाइज कर रहे शायद, गेटिंग टू नो इच अदर, इनको ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे को और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। आप बताओ भाई, आप ही हाइड करते हो मेरे दर्शकों से, आप खुद बताओ, मेरे दर्शक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत मासूम है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, अच्छे जी आपको बोल रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, फेथ और अपने रोमांस में फेथ लाओ, जी ये सिखा रहे आपको। गलत किसने किया, झूठ किसने बोला, इन्होंने, बट चलिए इट्स ओके मान लो, अब होता है ना ऐसा, कोई ऐसा थोड़े ना बोलेगा, सब सब अपनी गलती थोड़ी ना मानेगा, कुछ ना कुछ बोलेगा आपके लिए, सुन लेना,
आपको भी पता है, उनको रियलाइज़ हुआ है कि ये गलत है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग जी, फॉरगिव भी कर दीजिए, आखिर बात आ गई ना दिल की, कि हमें फॉरगिव कर दीजिए और लर्न कीजिए जी। लर्न तो कर रहे हैं मेरे दर्शक, कर रहे हैं, आप भी कर लो जी। मैं आपके बिहाफ में उनसे बात कर रही हूँ, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने बोला ना इनको कुछ रियलाइज़ हुआ है आपके साथ, इनका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपके पर्सन को, डेफिनेटली ये चीज़ें रियलाइज़ हुई है। मेक द एफर्ट, ये पर्सन एफर्ट लगाएंगे, आपको भी बोल रहे हैं फाइनेंस एंड करियर के ऊपर ध्यान है। मैंने कुछ रोमांटिक मैसेज डाली है, यही मैसेज आए हैं, शायद सच में किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर आपके रिलेशनशिप में फाइनेंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अनरिक्विटेड लव जी, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री, अनकंडीशनल लव की बात कर रही है। दिखावे के साथ या फिर देख पहनावे के साथ हम लोग को होते हैं ना लुक कॉन्शियस, प्यार अंदर से कोरे से बोले भाई, अट्रैक्शन केमिस्ट्री ये प्यार नहीं होता है, प्यार अनकंडीशनल होता है। अरे भाई मैं आपके पर्सन को बोल रही हूँ गाइस, मेरे दर्शकों को सब पता है, इन्होंने वही किया है, आपको अब रियलाइज़ हो रहा है, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं पाए, सेपरेशन में हम दोनों। और लास्ट वाला मैसेज लेते हैं, को इंडिपेंडेंसी जी, मैंने बोला जैसे कि आपके लाइफ में कोई और भी लोग हैं, अभी आपके पार्टनर हो सकते हैं, मीन्स अगर आप मैरिड हैं तो, या फिर कोई फैमिली के और ज़्यादा पर्सन, सबके ऊपर आप डिपेंड है, या तो मीन्स आप जिम्मेदारी लेके चल रहे, तो थोड़े इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके पर्सन बोल रहे हैं आपको। और ये जो आप अगर बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं ऐसे लोगों में, जिम्मेदारी में, ड्यूटीज़ में, जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप के लिए अवेलेबल नहीं रहे, तो ये आपकी ओर से रेड फ्लैग गया है अब तक इस रिलेशनशिप में, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। इस आपके पर्सन आपको बोल रहे हीलिंग फैमिली इशू, आपके पर्सन के फैमिली में प्रॉब्लम तो चल रही है, तो ये पर्सन उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट करने में लगे हैं, सेपरेशन शायद इसीलिए था। देखिए सोलमेट की दो बार एनर्जी आई है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप एंड सोलमेट, 100% इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है आपके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अब एक बार एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं, मैं बहुत दिनों से चाह रही थी गाइस मैसेज भी ऐड करना। क्योंकि शॉर्ट में ना बहुत कम मैसेज आते हैं, डिटेल हम लोग बात नहीं कर पाते, आपको तो पता है कि मुझे हर बात डिटेल करनी कितनी अच्छी लगती है। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की है कि मैम जिन फ्रेंड की कहीं और शादी हुई ना उनके लिए एनर्जी निकाला करो, तो ये मैं सोच रही थी कि कुछ शॉर्ट वीडियोस में, एक तो भी दिन में दिन के टाइम में एक शॉर्ट वीडियोस अपलोड किया करूं, या तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी या फिर ऐसे कुछ टॉपिक के साथ, और एक डिटेल रीडिंग रात को मैं लाया करूं। फिर फिलहाल देखते हैं एंजल के मैं क्या मैसेज है आपके लिए, एंजल क्या मैसेज देना चाहते आप मेरे दर्शकों के लिए। जी हाँ, रिकन्सिडर कीजिए, किसी के लिए आई है बात, फिर से सोचिए इस रिलेशनशिप के बारे में, या फिर आपको अगर कोई नया ऑप्शन आया है, सिंगल है तो आप न्यू डायरेक्शन में जा सकते हैं। कोई टॉक्सिक आपकी रिलेशनशिप बनी है, मैरिड रिलेशनशिप है, टॉक्सिक है, कोई डिवोर्स की बात चल रही है, सोच सकते हैं, बट फिर भी एंजल भी बोल रहे कि थोड़ा रिकन्सिडर हो जाइए, थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए आप, डोंट स्टॉप भी बोल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है, इसी रिलेशनशिप में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ये आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। बट अगेन यहाँ पे वेट का किसी के लिए मैसेज आ रही है, रिमेन पॉजिटिव, वेट एंड आस्क योर एंजल्स, किसी से हेल्प लीजिए जिससे आपको गाइडेंस मिले। तो ये थी गाइस आज की रीडिंग, रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।